सिद्धा के अंदर सरपंच पद के लिए चुनाव है। ऐसे में गर्म माहौल है, गांव के बुजुर्ग है बुद्धिजीवी, और ये आंकलन कर देते हैं कि वोट की चोट कहाँ पड़ेगी और अब की बार सरपंच का जो ताज है किसके सर जाएगा। ऐसे में बात करें मैं थोड़े देवेंद्र सिंह मंटा जो पहले भी सरपंच है रह चुका है पिछली योजना में, ऐसे में अब दोबारा फिर चुनाव मैदान में है, और जैसे लोगों गांव के अंदर माहौल है कि जो सरपंच साहब ने काम कर दिया आज तक किसी ने काम नहीं किए, और सुख दुख में चाहे रात को 12 बजे उसको उठा ले मतलब मंटा साहिब हाजिर हो जाते हैं। ऐसे में अब की चट्ठा साहिब है जो उसके सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि और एक और बात गांव वालों की तरफ से सुनने में आ रही है, इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। हाँ जी बापू जी, की हाल है तुहाडा जी? बड़ी कृपा सतगुरु। अच्छा जी, सरपंच का की माहौल लगता है तुहाडे गांव च? जे ते जिन्ने मंटे ने काम किए ने हाँ जी समाज दे, अच्छा जी ओ हिसाब नाल ते ओ जितना चाहिए ओ जितना चाहिए। इस तो पहले कोई किसी सरपंच ने किते इना दे? आते स्कूल बनया साडा। अच्छा जी, पहलो हां ना पानी दा विकास होया है। अच्छा जी, और जेडे यार छोटे मोटे धंधे सन ए मतलब बिना ओदे तो नहीं होए। अच्छा, मंटा साहिब ने किते जी? हां जी। अच्छा, पिंड दी सोच ए वी ओनू बनान के नू बना, लेकिन बनन वाला ओ चाहिदा, ओ चाहिदा। अच्छा, एक छट्टा साहिब भी खड़ा है? हाँ जी, छट्ठा साहिब। तो की लगता है जी लोग किन्नू वोट पाउणगे? एक नहीं तो सारे नू जिताई आउंदे ने। अच्छा, एक गल आपने दसी थी थोड़ी देर पहले बखाले वाली? हाँ, वो बखाला बहुत है। दोबारा बोलो जी। मझ जिहड़ी है ना, हाँ मोरा नसल दा चड्डा बहुत आउंदा, ते जिहड़ी साडी पाकिस्तानी मझ उह दो तोगा टप जांदियां। अच्छा जी, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ 550 ਕੱਢਿਆ ਆਪਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਕਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮੰਟੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਭਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੰਟੇ ਦੀ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, 15 ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਰਵਾਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਏ ਕਾਹਦੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਵਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਖਾਲਾ ਘਣਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀ ਮੰਟਾ ਸਿੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਹਾਂਜੀ, क्या लगता है जी? कह रहे हैं जी, ठीक कह रहे हैं, मतलब जो बुजुर्गों ने कह दिया वो बात की, जो पिछले काम उन्होंने करे हैं उन्होंने देखा जा सका उस हिसाब ना होना चाहिए। अच्छा, मारा इस गली के अंदर इतना इतना पानी जी, आप उस मौका में आमदे को जुत्ती काट के लिखना पड़ा। मतलब मैं भी देखा भाई गांव में ऐसा विकास किसी गांव में नहीं हो जितना विकास आपके गांव में है। तो ये आप भी बड़ा सुक्का है मारे हो, जिंदगी जमाया काम की सफल हो रही है। तो अब की बार दोबारा फिर ताज दोगे? क्या बात है जी। हाँ बापू जी, की लगता है जी? बापू दस दो दस दो, ओ शाम नू तेनु, शाम नू तेनु भी गेड़ा मारना उठे। गड्डी वाले नंबर ठीक तो गड्डी स्टार्ट हुई तो उन्हें कहे आज इतने गड्डी वड्डी देखी उठे ही सलाम वक्त बज दिए। आई आई नहीं जो मेरे भाई ने कह दिया। हाँ भाई, मंटा साहिब दे क्या बात है जी। ये देखो भाई, गांव रशीदा के बुजुर्ग लोग हैं और एक बड़ी बात बोली है कि भी जिस भैंस का किलोटी बड़ी हो है, अपनी हरियाणवी भाषा में बताऊं, उसके नीचे मतलब दूध कम हो गया है, दूध कम हो गया है, लोटी बड़ी हो है। और सरदार जी ने बोल दिया भाई, जिस मजदी बखाड़ा बड़ा होता है वो तो दूध कम आता है, तो मतलब अब देख लियो भी दूध किसके पड़े जाऊगा, आज चलने वाली बात है। वीडियो को जरूर शेयर कर दें जी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सर्वे दिखाया जा रहा है रशीदा गांव से, जहां पर सरपंच पद के लिए घमासान चला हुआ है। ऐसे में आप भी कमेंट करें कि कौन बनेगा रशीदा गांव का सरपंच। धन्यवाद। अच्छा, गांव में सरपंची के चुनाव से का माहौल है, ऐसे में क्या लगता है कि जो पिछला सरपंच थे कैसे काम करे थे जी?
काम बहुत बढ़िया करे जी, बाकी टक्कर बराबर की है। अच्छा जी, नहीं मतलब ऐसा कोई सरपंच था पहले जिसने काम करे थे या फिर मंटा साहब ने इस काम करे है? मंटा साहब ने बढ़िया करे, बढ़िया करे है, मतलब सही रहा है ये बंदा। हाँ जी, मंटा जी, मंटा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मंटा जी, मंटा जी, हाँ जी भाई, मंटा जी, ये है भाई गांव का माहौल। देखो हमने कोई मतलब नहीं अभी कौन किसका क्या, लेकिन हमने फिर भी पूछा भाई काम। छोटू क्या नाम है तेरा? अच्छा सरपंच कौन सा बढ़िया आता है? देवेंद्र सिंह मंटा। देवेंद्र सिंह मंटा क्यों बढ़िया लग गया है बताओ? युवा में बहुत बढ़िया, बहुत बता, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, पसंद है तुमने? हाँ जी, हाँ तो तो जी कौन सा बढ़िया बंदा है सरपंच में? यहाँ सरपंच ये बात सुनिए, मंटा सरपंच बात सुनिए, काम भी सरपंच में किसका मोह लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है मंटा साहब ने काम करे है? करे भी है, अरे सही करीब नहीं है, सारे काम नहीं है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है अभी मंटा साहब जीतता है कौन जीतता है? भाई यूँ जीतेगा, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा दो जगह। अच्छा अच्छा ठीक है, टक्कर है।